हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग धुली और मसूर धुली दाल की रेसिपी। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट रखती है और ये हमारे को बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और यम्मी भी बहुत होती है। एकदम परफेक्ट तरीका इसको बनाने का। तो चलें कुछ नया कुछ अच्छा सीख लें। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। एक बड़ी कटोरी मैंने ली है मूंग धुली दाल और एक छोटी कटोरी मैंने ली है मसूर धुली दाल। अब हम लेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। ये है 3 टमाटर। आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, हींग ली है, और ये लिया है स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया और ऑयल लिया है। अब हम सबसे पहले लहसुन को छील के कूट लेंगे और ये इसका पेस्ट बना लेंगे और दोनों दालों को मिक्स करके हम धो लेंगे। ये देखिए, मैं एक कटोरी डाल रही हूँ मूंग धुली दाल और मलका धुली, दोनों को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे धो दूंगी अच्छे से। 3 से 4 बार मैं वॉश करूंगी। मैं वॉश करके ले आई हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और अब 1 से 1.5 चम्मच में डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं गैस चला रही हूँ, गैस की तरफ आ गई हूँ। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और पहला बॉईल आ चुका है। आप देख सकते हैं पहला बॉईल आने के बाद जो दाल है उसके ऊपर हल्की हल्की झाग आ गई है। इस झाग को हम अपनी चम्मच से निकाल देंगे क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसे निकाल देना ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ और मूंग की दाल को हम खुला बनाएंगे, इसके ऊपर कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। जब हम खुली दाल बनाते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसे खुला बनाएंगे, ये 20 से 25 मिनट में अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। आप देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से घुल गई है पानी के अंदर और इसमें कोई गुठली नहीं बनी है। यही अगर हम कुकर लगा देते, कुकर की सीटी, तो ये गुटली गुटली हो जाती। तो अब हम मैंने 2 चम्मच डाल दिया सरसों का तेल। अब मैं बना रही हूँ इसका तड़का। 1 चम्मच मैंने डाला है जीरा। जीरा जब तक हल्के लाल कलर का हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। ये 6 से 7 कलियाँ थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं टमाटर, जो 3 टमाटर हैं, उसकी प्यूरी बना ली है और मैं डाल रही हूँ इसमें तड़के में। अब तक इसको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। देखिए इसमें पानी ख़त्म हो गया टमाटरों का। अब मैं चुटकी भर इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और वो पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब मैंने 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और इसको भी अच्छे से भून लेंगे तड़के के साथ। तड़का हो गया है तैयार और अब मैं इसके अंदर जो दाल है वो डाल रही हूँ। दाल को डालने के बाद अब हम इसको करेंगे गार्निश। एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हमने डाल दी है कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया और कसूरी मेथी इस दाल में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ये देखिए मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर, टेक्स्चर कितना अच्छा आया है। लग रही है ना यम्मी, लग रही है टेम्पटिंग, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। पर ये घर में बनी हुई दाल है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो इस तरह की दाल खाने से हमें अच्छा फील होता है क्योंकि हमारा जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।